बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू आर? आई होप ऑल विल बी फाइन एंड सेफ एट योर होम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। एज वी आर स्टडीइंग द यूनिट नंबर 9, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, द टॉपिक फॉर टुडे इज यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस। And today date is 2nd July 2020. So, dear students, start करते हैं uses of electricity से, but पहले हम कुछ देखते हैं कि imagine करें the world without electricity. It is very difficult these days because हम जो हैं बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज, बहुत ज़्यादा गैजेट्स, बहुत ज़्यादा चीज़ों के इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप इस वक्त अपने हाथ में फ़ोन है ना, उससे आप एक टेक्नोलॉजी है, कितना बड़ा यूज़ ले रहे हैं इन डेज़ में भी, और वो फ़ोन की बैक पे इसको बनाने में कितनी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का काम चाहिए होगा। अब इसको चार्ज करने में इसके अंदर बैटरी यूज़ होती है, इंटरनेट के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। इट्स मींस के एक सिंपल सी चीज़ से आप एग्जांपल लें अपनी लाइफ से कि अभी जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी के बगैर पॉसिबल नहीं है। स्मॉल चीज़ भी आप इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में देखें, फ़ोन चार्जर देखें, या तो बड़ी बड़ी बैटरीज मशीनरीज देखें जो कोई भी चीज़ें बनाने के लिए फैक्ट्रीज में यूज़ होती हैं, वो सब डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रिसिटी उन्हें ऑपरेट करती है। इलेक्ट्रिसिटी इवन के सर्जिकल ऑपरेशन जो होते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर्स, उसके अंदर भी यूज़ होती है। जैसे कि डॉक्टर पावरफुल लाइट के अंडर अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिनके साथ उन्होंने कोई ऑपरेट करना होता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, तो इसलिए उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी उनकी चीज़ें जो हैं पॉसिबल नहीं होती। और हीट की जो प्रॉब्लम्स हुए हैं उनको डायग्नोज किया जा सकते हैं, हर्ट के प्रॉब्लम्स को, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे वो होती है ना ECG, तो मींस उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। द मसल सेल इन द हार्ट रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिसिटी बाय कंट्रैक्टिंग देम सेल। हॉस्पिटल्स के अंदर मशीन यूज होती हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जैसे कि ECG मैंने आपको बताया, यूज टू डायग्नोज डिफरेंट हार्ट डिजीजेस। इलेक्ट्रिसिटी बहुत कॉमन है हमारे घरों में, क्योंकि एक टोस्टर से अगर हम एग्जाम्पल उठाते हैं, रेफ्रिजरेटर है, फ़ैन है, AC है, वॉशिंग मशीन्स हैं, डिफ्रीज़र्स हैं, किचन की जितनी भी चीज़ों के बारे में हम कह सकते हैं, हमें इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं अपने वर्क को इजी करने के लिए, सब डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। जिसके अंदर अब हम देखते हैं कि कुछ के नेम्स और देख लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक केटल है, हेडफोन्स हैं, हमारा फ़ोन है, हमारा कंप्यूटर है, टॉर्च है, इन सब चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। अब आप कहेंगे कि टॉर्च के अंदर नहीं यूज़ होती, कुछ तो चार्जेबल टॉर्च होती हैं, लेकिन जो दूसरी भी होती है उनमें सेल यूज़ होते हैं, और सेल क्या प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज होते हैं ना उसके अंदर भी, कैथोड एनोड होती है, उसकी कनेक्शन के थ्रू जो है वो बैटरी वर्क करती है। उसके अलावा और भी देख लें, आयरन है, वो ये LED, LCD, ड्रिल मशीन्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, LCDs हैं, CD प्लेयर्स हैं, माइक्स हैं, लैंप हैं, हेयर ड्रायर हैं, टोस्टर्स हैं, ये सब मशीन जो ओवन हैं ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, हीटर्स हैं, फ्रीज़र्स हैं, क्लॉथ्स वॉशर्स, ये सब जो हैं, इन इलेक्ट्रिकल गीज़र्स हैं, एयर कंडीशनर हैं, ये सब किसकी ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एयर कंडीशनर किस लिए यूज़ होता है, अप्लायंस है जो कि कूल करता है रूम को ड्यूरिंग हॉट वेदर। इलेक्ट्रिक गीज़र जो हैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो कि वाटर को वार्म करते हैं। लाइट जो है ये क्या करती है, यूज़ टू लाइट अप द डार्क रूम्स। रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, यूज़ टू स्टोर फूड आइटम एट अ मेंटेन टेम्परेचर टू कीप देम सेफ फ्राम रॉटिंग। और वो क्या रहते हैं,
ठंडा भी रहता है. मीन्स टेलीविजन है अब, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज टू कीप अस इन्फॉर्म ऑफ वट इज़ हैपनिंग इन अवर सराउंडिंग एंड वट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, वट इज़ हैपनिंग इन अवर कंट्री. एवरी थिंग जो भी हो रहा होता है हैपन, उससे हम लोगों को अवेयर रखते हैं. कंप्यूटर या उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, जो इस तरह से इससे रिलेट करते हैं, वो भी एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि सॉल्विंग एंड कैलकुलेटिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं. उसके बाद हीटर्स यूज़ हो रहे हैं जो कोल्ड वेदर में हम लोग यूज़ करते हैं, फ्रीज़र यूज़ कर रहे हैं हम लोग, फ्रीज़ करते हैं थिंग्स को फॉर आवर फ्यूचर यूज़. क्लॉथ वॉशर हैं, वॉश करते हैं क्लॉथ्स विद लेस एफर्ट एंड टाइम. दीज All and the appliances are used in our daily life, and these all depend upon the electricity.